यहाँ भी कई बोलते हैं कि भगवान भाष्यकार कहते कि तद भावे भावा तद अभावे च अभावा, मन जब फंक्शन करते रहते हैं तब हमें कई तो दिखाई पड़ता है। यदि मन की जो है मतलब फंक्शन बंद हो जाता है, मनोवृत्ति बंद हो जाता है, तब क्या होता है कि द्वैत नाम को नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य ही ममने भावे मतलब निरुद्धे, अभी निरुद्धि के लिए हमें बुलाते मनुष्य की समान को लेकर आप निरुद्ध कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम, ठीक है ना। ये देखिए विवेक दर्शन अभ्यास मतलब क्या है, जब कोई वस्तु आपको दिखाई देना उसको विवेक पूर्वक देखे, विवेक पूर्वक वस्तु को देखे। पहले जब हम शास्त्र आदि नहीं पढ़ते तो वस्तु में वस्तु दृष्टि होती है, परंतु जब शास्त्र पढ़ लेते हैं तब शास्त्र का ग्रंथ लंब होता है। विवेक पूर्वक वस्तु को देखना सीखो, विवेक दर्शन, ठीक है ना। विवेक को अवलंबन करके दर्शन उसको ये हो गया आपका अभ्यास, यानी वेदांत के अभ्यास ही है। यदि कोई वस्तु आपको सामने दिखाई दे, हमें सामान्य वस्तु का नाम रूप भी दिखाई देगा पर विवेक पूर्वक दिखाई देगा तो आपको क्या दिखाई देगा, सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई देगा। इसीलिए होता है इसकी अभ्यास है। यद्यपि योग दर्शन में तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, मतलब ये योग सूत्र है, वो एक जगह पे स्थिर होकर के बार 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 उसका जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास, उसको हम अभ्यास बोलते हैं। किसी एक साधन को अवलंबन करके जिस जो भी अपने प्रगतों के अनुसार जिस परंपरा से जुड़े हुए उससे कोई असुविधा नहीं है, परंतु एक निष्ठा होकर के जो भी साधन हमको प्राप्त हो गए उस साधन में रह करके है बार 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 उसी की अभ्यास करें, तब तक स्थित हो यत्न उस जगह पर स्थित होकर के प्रयास करने का नाम होता है अभ्यास। तब तक जो मतलब जिस साधन को जिसको जिस अधिकारी को ना जब प्राप्त होगा ना दे तो योग दर्शन में तो विदर्भ विज्ञान अस्मिता सभी कल्प समाधि विकल्प समाधि बोलते हैं, परंतु जब व्यस्तम बोलते हैं कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि जिसको जिस व्यक्ति को जिस प्रकार से अपने प्रबंध के अनुसार जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है उस परंपरा के अनुसार जो भी साधन है उस साधन को एक निष्ठा के साथ अपनाए उसी का अभ्यास करते हैं। परंतु कब तक करना पड़ेगा? सजा दीर्घ काल नैरंतरे सत्कार से दीर्घ भूमि, उसी के बाद सजा वो अभ्यास दीर्घ काल लंबा समय तक, क्योंकि जन्मांतर एक इतना जन्म में कितना संस्कार भरा हुआ है वो तो एक दिन में बीतने वाला नहीं है। वर्तमान में कुछ संस्कार में से कुछ संस्कार संचित कर में से अलग करके तड़प रूप में काम कर रहे हैं, तो उतने संस्कार को मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दीर्घ काल लंबा समय तो कर रहे हैं, निरंतरता नहीं है, इस दिन किया किसी दिन नहीं किया ऐसा मुझे भी नहीं चाहिए, है ना। एक निर्दिष्ट समय में इतना समय में करूँ, अपने आप निर्णय करके इतना समय में कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, मन टूट जाएगा। जीवन के शुरू में तो अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए छोटा छोटा संकल्प करना चाहिए, जो जब जिसको लगता है हमको कि इसके बिना मेरा अच्छा नहीं लगता तो पहले उन्हीं पर आघात करो, पहले उसी को बोलो नहीं इसको मैं 15 दिन अपने 1 महीने के लिए पकड़ूंगा ही, इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, क्या मर जा पाएंगे। चाहे मिठाई खाना हो, चाहे नमक खाना हो, चाहे अचार खाना हो, किसी से व्यवहार हो, आजकल तो हमारे समय में बच्चे शुरू शुरू में सब नहीं थे ना, मोबाइल ना फोन कुछ नहीं था, तब सुविधा थी, इसके पहले और भी सुविधा थी, पर आजकल निश्चित ही तरह विकसित की मात्रा अधिक है, उसमें से मनुष्य संकल्प को मन की दृढ़ता को बढ़ाने के लिए छोटा छोटा संकल्प करते थे कि मैं इतना दिन तक इतना ही बात करूँ, इससे दिन बात नहीं करूँ, अथवा बोलूँगा चलूँगा दिन, अथवा निश्चित समझो बात समझो, ये सब मनुष्य संकल्प के लिए देखते समय में बस हाँ जुगा करके चलो। उस दिन ऐसे अभ्यास करते करते आप स्वयं देखना कि मनोवृत्ति मतलब अपनी मनोभा मैं कर सकता हूँ, या अपने आप विश्वास आत्मविश्वास आ जाए। हमारे पास भी कई विद्यार्थी हैं आश्रम में, मैं किसी को नहीं बोलता कि हमारा बात मान के चलो, मैं उनको यही बोलता हूँ तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, दिन भर क्या करोगे, अपने आप एक मन ही मन सोचोगे और लिखो, लिख के एक मेरे को दे दो और अपने का सामने मैं दिन में इस समय इतने समय स्कूल जाऊँगा, इस समय खेलूँगा, इस समय पढ़ूंगा, इस समय मोबाइल देखूंगा, कोई बात नहीं लिखो उसको और उसी को करो, मन मन जो मन में आए वही कर दो, ई मन में तब तुम मन का बोला नहीं करोगे। और देखिए जो भी हमने निर्णय किया ऐसे करो ना, खेलना है, पढ़ना है, उठना है, बैठना, कोई बात नहीं, एक निर्दिष्ट मंदिर से उस दिन चलो,
उससे क्या होगा, आपकी माइंड को डेवलप करेंगे। इसको बोलते हैं आगे अभ्यास, इसको बोलते हैं अभ्यास। और हम जब मुक्ति होना की साधक है, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विभिन्न पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा। विभिन्न पूर्वक मतलब हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य के अनुकूल क्या वस्तु है, प्रतिकूल क्या वस्तु है, शास्त्र बता देते हैं। और हर जगह के लिए एक प्रकार नहीं है, हो सकता है कि हम बिना वस्त्र को लेकर, परंतु उत्तर का समय ऐसा गंगोत्र में ऐसा संभव नहीं है, ठंड हो जाए, गर्म चाहिए, गर्म पानी भी चाहिए, गर्म कपड़ा भी चाहिए। इसलिए ये नहीं समझते वहाँ भी ऐसा तो मैं तो भी करूँ, अपनी परिस्थिति के अनुसार जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके साथ उतने अभ्यास करे रहेंगे। उससे क्या होता है, विवेक दर्शन अभ्यास है। तो देखते हैं कोई भी वस्तु आया कि हमारे लिए कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे, रखने से क्या लाभ है, नहीं रखने तो अच्छा है। इस प्रकार से यदि हम उसको निगेट कर पाएंगे तो क्या होगा, उस वस्तु संबंधी चिंता हमारे कम होगी। सकाम कर्म करने से तो विषय चिंता निश्चित ही होगा, इसलिए सकाम कर्म के बिल्कुल छोड़ देना चाहिए मुमुक्षु साधक के लिए। और फिर जो है धीरे धीरे विवेक दर्शन अभ्यास, मतलब कोई भी वस्तु को देखिए तो हमको विवेकपूर्वक देखना चाहिए। पहला विवेक क्या है कि इसकी उपयोगिता अनुभव है, दूसरा विवेक क्या है कि वस्तु के धीरे धीरे मन जब सूक्ष्म वस्तु को देखने लग जाएगा, इस नाम रूप के अंदर ही वो सच्चिदानंद नाम रूप के अंदर ये अभ्यास बार बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा संसार हमको सच्चिदानंद का अपना स्वरूप देखने लग जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वैराग्य। यही सोचना कि दो अलग अलग है, मैं वैराग्य के अभ्यास नहीं बोल रहे हैं, ध्यान बोला द्विवचन प्रयोग किया ना, यानी कि अभ्यास अलग है वैराग्य अलग, अभ्यास वैराग्य अभ्याम के पंजीय वैराग्य के अभ्यास अलग है। वहाँ पे दोस्त समय दर्शन में ऐसे बोल रहे हैं कि दृष्ट अनुस्वारिक विषय के कृष्ण से वशीकार संग वैराग्य, दृष्ट मतलब कि हमें सामने वस्तु दिखाई दे और जो शास्त्र से सुनाई दे, जो लोग पढ़ लोग जितना वस्तु है इसमें से जो दृष्ट अनुस्तक विषय विषय में वितृष्णा आ जाना चाहिए, मतलब वैराग्य दिखा नहीं, ये हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करते करते वशीकार संग वैराग्य, वशीकार नामक वैराग्य आपके पास है, आपको परम पुरुष कहते पर वैराग्य। इसके बाद जब आप अपने को धीरे धीरे पहचानने लग जाएंगे तब जो है सारा वस्तु से मन वैराग्य परम वैराग्य हो जाएगा। परम विभूषिका संग वैराग्य में व्यासदेव इसका भाष्य में लिखते हैं चार स्टेप है वैराग्य। चार स्टेप में पहले बोलते हैं कि जैसे हम सोचेंगे अभी मैं साधन मात्र जाऊँगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसार से मन को उठाना पड़ेगा। तो उस समय जहाँ जहाँ मन बसता है, जहाँ जहाँ मन बसता है उसमें से मन को उठाने का प्रयास करना, इसको कहते हैं यतमान वैराग्य। यतमान वैराग्य जहाँ जहाँ मन हमको फंसता है जाता है, क्योंकि मन के स्वाभाविक धर्म है क्या, जहाँ उनकी प्रीति है जहाँ नहीं है। ये कोई दोस्त है, भगवान ने बहुत अच्छा गुण देकर के मन को बनाया, क्या गुण दिया, जहाँ उनकी प्रीति है वहाँ अपने आप जाएगा। भगवान ने सोचा था संसार में सबसे अच्छा वस्तु तो मैं ही हूँ, तो प्रीति मेरी तरफ होगा, परंतु उल्टा हो गया मामला, माई दोस्त ने ऐसे मन फंस गया कि भगवान की भूल जाए। तो यहाँ पे जो वर्तमान वगैरह तो क्या है कि जहाँ जहाँ मन पहले जाना चाहता है वहाँ से मन को उठाने का प्रयास, ये वगैरह का जो अभ्यास शुरू होता है, प्रयास करता है वर्तमान प्रयास। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करते 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 देखेंगे अपने आप के मन की तरफ, तो अनेक वस्तु से मन हट गया फिर भी कुछ रहेगा, अनेक वस्तुओं से मान लीजिए 60% जिसके ऊपर मन की तरफ डर जाता था वहाँ से मन हट गया, फिर जो है कुछ रहेगा। इस फिर जब कुछ रह गया तो फिर उसको इसको अत्याधिक वैराग्य, इसको अत्याधिक वैराग्य, वर्तमान वैराग्य में क्या एक्सटर्नल थिंग चला जाएगा, कुआसन से चला जाएगा, फिर तो मन का छोटा छोटा जो है खाने का सोने का जो बोले जन्मांतरी अभ्यस्त कार्यों का वो रहेगा। फिर धीरे धीरे उसके प्रति भी हम यदि जागरूक होते जाएंगे तब वो बिल्कुल ही चला जाएगा, व्यतिरिक वैराग्य होगा, एक इंद्रिय वैराग्य रहेगा। तब क्या है, एक वस्तु इंद्रियों को विषय देखना नहीं चाहता, परंतु मन में तो इस विषय के ये लाभ अपना लाने इसका ये साथ को मन से पूरा नहीं करता। तब एक मन के ऊपर पहले इंद्रियों शब्द स्पर्श रूप स्कंध को धीरे धीरे अलग करना चाहिए इंद्रियों से। तब जब ये अलग हो गया तो विषय व्यतिरेक वर्तमान वैराग्य तो व्यतिरेक हो गया, उसके बाद एक इंद्रिय वैराग्य। अब तो मन में जो संस्कार बैठा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए,
जो जो संस्कार हमारे साधन के लिए प्रतिकूल है उस संस्कार को हम हटाना है। तो संस्कार को हम हटाना है तब क्या हो जाएगा, इसको होता है कि आपका जब मन वैरग एक इंद्रिय बन जाए, इंद्रिय केवल मन मन नहीं आपको जो है स्थिर है। इसलिए भगवान के रसो वर्ग रसो व्यस्व परम दृष्टा विषया विवर्तन रसोवर्ग रसो व्यस्व परम दृष्टा निवर्तन। आप इंद्रियों को ग्रहण नहीं करते हुए आपके विषय संबंधित अभिलाषा आपको चला गया, परंतु विषय में ये रस का ये पूरा मन से नहीं हो तो जब परम दृष्टा नहीं हो परम तत्व मन लगेगा तब होते ये तब हो जाएगा। आप अभी एक इंद्रिय बन जाए और धीरे धीरे मन को ये जो है ये संस्कार को यदि हम हटा पाएंगे और ईश्वर चिंतन के संस्कार को मन में लगेगा। ईश्वर चिंतन के साथ ये अभ्यास क्या करना है, वेदांतिक अभ्यास क्या है, अभी परिवार मतलब जो वाशिष्ठ में देखा उसको उपयोग करना। सामान्य व्यक्ति की जरूरी नहीं है कि वेदांत में जैसे बोले यही एकमात्र साधन, जिस व्यक्ति को मैं पहली बार जो साधन प्राप्त हो पाए धीरे 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 अपने मनोवृत्ति के ऊपर दृष्टि डालना सीखे। मनोवृत्ति के ऊपर दृष्टि डालने से क्या हो जाएगा, एक तो मन से मैं भिन्न हूँ, मन बुद्धि से अहंकार से मैं भिन्न हूँ, ये स्पष्ट हो जाएगा। आज धीरे धीरे वो वृत्ति भी बदलने लग जाए, मनोवृत्ति बदलने लग जाए। इसको बोलते हैं जब मान संस्कार को हटा करके आत्म भगवत प्राप्ति के संस्कार को धीरे धीरे करते हैं। देखिए कैसे कोई एक सिहाई के बर्तन में शिष्य बोतल में आपने सिहाई समाप्त हो गया परंतु उसके अंदर कुछ कालापन रह जाता है। अब उस कालापन को भी धोके निकाल आप क्या करते हैं, इस नल के नीचे कूद देर कर पानी चल रहा रख दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा पहले उसमें काला पानी बाहर आ जाएगा फिर अपने आप को तो सफेद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस मन में जो विषय विषयात्मक कालिमा था वो अपने वैराग रूप को धीरे धीरे निभाया फिर भी उसका कुछ सेम्बलेंस रह जाता है वो जो है ईश्वर चिंतन अभ्यास के द्वारा वो धीरे धीरे करते का कुछ अच्छे होगा। अब तो परम पुरुष हो गया तो परम परम वैराग्य ये वैराग्य दृष्टि है। योग दर्शन की मैं कथन नहीं है, योग दर्शन में ऐसा लिखा है क्या हो गया, यतमान वैराग्य अतिरेक वैराग्य एक वैराग्य और परम व्यक्तिगत नामिना वशिकार संग्रह वैराग्य वशिकार संग्रह उसके बाद परम वशिकार मीन्स नाम प्रबल कंट्रोल। इस प्रकार से ये दोनों चीज यहाँ पे बोली विवेक दर्शन अभ्यास नाम को क्या करना है, कोई भी वस्तु को देखना है तो विवेक पूर्वक देखना है, विवेकपूर्वक देखने है ना, विवेक दर्शन अभ्यास और वैराग्य अभ्यास। और वैराग्य मतलब क्या जाएगा, देखिए ये हमारे घर में किसी के घर में जैसे कोई झाड़ू लगाने वाले भी आते हैं वो भी विवेकपूर्वक काम करते हैं, क्यों जो चीज ऊपर की वस्तु झाड़ू लगाए कमरे में झाड़ू लगा के यदि उनको दिखाई देता है कि मालिक की कोई वस्तु बड़ा हुआ है ऊपर हो गया तो उसको हला कर हटा के रखेगा झाड़ू को साफ है कि नहीं। हर एक काम के लिए इस विवेक की आवश्यकता है। अब जब हम सबसे जीवन के परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे विवेक की जागृति उतना सूक्ष्म और उतना जागरूक रहना चाहिए। मनोवृत्ति जिसको तब क्या हो जाएगा धीरे धीरे विवेक दर्शन अभ्यास बढ़ने लगता है। इसके ऊपर देखिए दो नंबर एक्टिविटी वेदांत में कैसे विवेक अभ्यास करें है ना, उसको लेकर के तो विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम ठीक है ना। अब देखिए विवेक पूर्वक जो दर्शन उद्देश्य तत्वज्ञान विवेक को पूर्वक मतलब विवेक को सामने रख करके फिर देखने का अभ्यास करते हैं ना। विवेक पूर्वक जो दर्शन उद्देश्य तत्व इस दर्शन का उद्देश्य क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए मैं भी हो रहा था तो किसी साधन हम करते हैं परंतु हमें एक चीज मन में जागरूक करना चाहिए मैं कर क्यों रहा हूँ। यदि जिसके लिए कर रहा हूँ उस दिशा को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे पहले जमा बोले थे कि देखो एक व्यापारी को देखो रोज आपकी हिसाब किताब की पुस्तक को कितना आया कितना गया लिखता है, आज का दिन कल समय आया बढ़ा के घटा होता लिखते हैं। इसी प्रकार जब जीवन को परम लक्ष्य में पहुँचना चाहते हो ना रोज एक बार बैठ करके कम से कम विचार करके देखो कल की दिन की तुलना में आज के दिन में हमारे मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं,
जल्द से जल्द आज का दिन अच्छा हो गया, क्योंकि हमें इतना समय के अंदर ही लक्ष्य में पहुंचना है। यदि इतना समय के अंदर अगर लक्ष्य में पहुंचना है तो हमारी प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा। रोज कम से कम एक बार रात को सोने से पहले सुबह उठ करके एक बार विचार करें कि कल का दिन जो हमने बिताया था उसकी तुलना में आज का दिन अच्छा हो गया, थोड़ा अधिक समय भगवान में अथवा अपने लक्ष्य के ऊपर लगा के नहीं। ऐसा जितना हम लोग उसको मनोवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे ना, उतना मन अपने आप ही इसलिए बोलते हैं कि विवेक पूर्वक जो दर्शन उद्देश्य तत्व ज्ञान हो, जो तत्व ज्ञान होता है उसमें देखते हैं मनोनाश वासना क्षयानम तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षयानम अभ्यास तेन वैराग्येन चकार बोल रहे हैं, और वैराग्य के साथ मिला है वो अभ्यास और उसके साथ वैराग्य, उसके द्वारा मन को ठीक होते हैं। अब जो है यहाँ पे ज्ञान अभ्यास बोध अभ्यास मनोनाश की अभ्यास वासना चाहिए अभ्यास चारों अभ्यास को जो वशिष्ठ में जो कहा गया है एक परिकार उसको उद्धित कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे पुस्तक है, पुस्तक में भी मार्ग कर सकते हैं। ज्ञान अभ्यास तथा वाशिष्ठ लीला उपाख्यान, जो वाशिष्ठ में लीला उपाख्यान में ज्ञान अभ्यास कैसे करना है वो कहा गया है। ज्ञान अभ्यास तथा वाशिष्ठ लीला उपाख्यान तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ज्ञानाभ्यासं विदुर्बुधः। ठीक है, ये पंचदश में भी ये श्लोक आया हुआ है, दो बार आया हुआ पंचदश में, देखिए वहाँ पर तुलसी का भी श्लोक उत्तर दिया। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, अपने आप में बार बार ईश्वर चिंतन करना चाहिए, और यदि कोई पूछता है तो उसको बोलना भी चाहिए, और आपस में ब्रह्मचर्य में बैठ कर इसका विचार भी करना चाहिए। ये हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं जो शास्त्र निर्देश है ब्रह्माभ्यास रोज सुबह उठकर भी हमें कुछ देखते हैं शास्त्र करते हैं, ये हमारी मनोबल नहीं है, परंपरा से भी जाइए, परंपरा भी जाइए। इसीलिए बोलते हैं तब चिंतन, अब आपको कोई चीज बोलने के लिए निश्चित मन में बहुत देर तक विचार करना पड़ता है, क्योंकि आप मन में तो सामान्य प्रवचन नहीं है, स्वाध्याय या प्रवचन में भिन्नता है, स्वाध्याय आपको प्रवृत्ति के अनुसार ही चलना पड़ता है। मन में चीज अगर कुछ है मन में बोलते ऐसे नहीं कर सकते, तत् संदर्भ रखते, इसीलिए ये तत् चिंतन तत्कथन पहले उसके ऊपर सोचिए, सोचने की बात यदि कोई आगे पूछना है उसको बोलिए, और अन्योन्यम तत्प्रबोधन कुछ हमको समझ में आया कुछ आपको समझ में आया इस प्रकार आपस में उसको विचार करते हुए आपस में वहाँ को आया। मैं और कुछ समझे कितना बार ऐसा करते थे, आयन अभ्यास करने के लिए मूल अभ्यास करने के लिए ऐसा करके कि कितना समय लग रहा है कितना लग रहा है इसमें क्या है इसमें क्या है, फिर कुछ समझ हमारे पास आते बस हमारे जीवन की यही लक्ष्य है, यही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है और यही प्राप्त करने है, इसी को ज्ञानाभ्यास विदुर बुधा बुधा एतद एक ज्ञानाभ्यास विदुर बुद्धिमान इसी को ही ज्ञानाभ्यास उतने जानते हैं, बुधा एतद एव ज्ञानाभ्यास इसी को ही ज्ञानाभ्यास बोलते हो गया ज्ञानाभ्यास। ठीक है ना, आपको ज्ञान होने का बाद भी कर सकता है, परोक्ष ज्ञान हो अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुआ तो भी ज्ञानाभ्यास का आवश्यकता है, ज्ञान हो गया कुछ करने का अवसर नहीं बन बिताएंगे कैसे, इसीलिए ऐसे भी अपना कुछ संकल्प नहीं करते कोई बात है तो उसके साथ इसी चीज़ की बात करते उनके मुझसे मैंने सुना बोलते मैं जब पहले मंत्र में एक बार उत्तरकाशी आया तो देवगिरी महाराज देवगिरीता समुद्र तो उनसे बड़ा मिलने गया 1969 हैं कि मैं जाते ही हमको पूछा सुना भी और सर्वदर्शन आचार्य है तो वेदांतिक सत्कार के बाद और सांख्य सत्कार के बाद में क्या भिन्नता है। ये बोलते तो बोलते देखिए पहले महात्माओं को स्वागत आदर अभ्यर्थन करने का यही जो है
किसी को सम्मान करना, किसी को आदर करने का यही तरीका था। आज तो हम हमारे पास कोई आओ आओ बैठो चाय पियो, हाँ आप सुनो मैं कितना कमरा बना दिया, क्या हो रहा है, ये कुछ किया, पर ये नहीं पूछा उसने, ये नहीं पूछा। पूछा क्या, वेदांतिक सत्कार के बारे सम्मो सत्कार के बारे में क्या भीना चाहिए, आपको सबका सुनना चाहिए। तो यही है, जब जब कभी भी हम अभ्यास करेंगे बोलेंगे तो हम इसी चीज़ के बारे में कथन करेंगे, तो क्या होगा, मन उसी उसी विचार उसी चिंतन ही चलता है। इसीलिए बोला तब चिंतनम तब कथनम अनन्यम तब प्रबोधनम एक ज्ञानाभ्यास भी गुरु गुहा, उसी को ज्ञानाभ्यास बोलते हैं। तब तो ज्ञान बोला ना एक, उसके बाद नेक्स्ट बुक में अपने पुस्तक को मान कर सकते, उसके बाद देखिए बोधाभ्यास बोलते हैं। सर्गादो एव न उत्पन्नं विश्वं नास्ति देव तत्सदा इदं जगत् अहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परम् है ना। कि सर्गादो न उत्पन्नं, ये सृष्टि हुई नहीं, सर्गादो न उत्पन्नं विश्वं नास्ति एव सर्ग, ये भी कुछ प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, पारमार्थी की है ही, ये हमारी प्रकृति मात्र है। सर्गादु एव न उत्पन्नं विश्वं नास्ति एव तत्सर्ग, इदं जगत् अहं चैति, ना ये जगत है ना मैं, मैं मतलब विषय, विचार करने वाला जो है वो तो हूँ, अपने शरीर को जगत नाम प्रपत्ति मंच वो भी कर, ना ये जगत है ना ये शरीर है, नहीं ना इदं जगत न बोधाभ्यास भी, यही बोध अभ्यास है। मतलब जैसे जैसे आपके अंदर मैं क्या हूँ ये बोध जगता जाएगा, तब क्या होगा, यही वृत्ति मन में होता है, ना जगत है है ना। इसलिए हो गया, देखिए ये हमारा मनोबल नहीं है, ये है कहाँ बोला लोग वाशिष्ठ महिला उपाख्यान में, एक ज्ञानाभ्यास एक बोधाभ्यास। बोधाभ्यास मतलब जैसे जैसे हमारा जागृत होता जा रहा है मन, क्या बोध है कि न जगत में कोई वस्तु है न शरीर है, ठीक है कल तो सुबह चलकर चलते हो मन जो शुद्ध विचार है असंग मैं ही हूँ, इस प्रकार की भावना को मन में बार बार बनाना है। स्वर्गादेव न उत्पन्न विश्वम नास्ती एक दर्शक है, सृष्टि का ही उत्पन्न भी नहीं हुआ, इसलिए विश्व कभी है ही नहीं, विश्व अपना प्रपंच कभी है ही नहीं। इदम विश्व कौन, इदम जगत अहम च, न ये जगत है न मैं, इसी को बोधाभ्यास के रूप में सबसे अच्छा बोधाभ्यास है। इस प्रकार से ज्ञानी लोग बोलते हैं कि हो जाता है ज्ञानाभ्यास के दो भाग पूरा, ज्ञानाभ्यास और बोधाभ्यास, एक ज्ञान होने के बाद और एक हो गया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, ये अभ्यास अभ्यास वैराग का ध्यान कम निरोध ध्यान रखना, क्योंकि अवकाशन में कुछ नहीं बोला जा रहा है, वेदांतिक में यह अभ्यास करना, वेदांतिक साधक को यह अभ्यास करना है ना। इसके लिए अब भक्ति मार्ग के साधक के लिए अलग अभ्यास है, तब जब तरह ध्यान होता है महर्षि पातंजलि ने बोला ईश्वर परिधान आत्मा बार बार उसको प्रणाम करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार ये अभ्यास है। बोला आपके पास मनोनाश, मनोनाश अभ्यास था तथ्य उसी उसी लीला उपाख्यान में ही मनोनाश की अभ्यास करने के लिए भी बोलते मन को कैसे नाश करेंगे। अत्यंत अभाव संपत्तुर्गीयुक्ता शास्त्र अभ्यासिन स्थित अत्यंत अभाव संपत्त मनोनाश के उपाय, मन क्यों भाग जाता है, बाहरी विषय को देख कर जहाँ जहाँ असत्य है वहाँ मन बनता है। अब आपको मन को नाश करना है, बाहर विषय कुछ है ही नहीं सर, जीव नामक कोई वस्तु है ही नहीं संसार में है ना। भगवत ज्ञेयम जब तक प्रवक्षा जब तक अनादि मत करो ब्रह्म न सत्य न सो, एक मत वही तो ज्ञेय वस्तु है, कहाँ यहाँ पे देखना है, क्या जानना है, क्या देखना है। इसलिए इस प्रकार मन से दीर्घ निश्चय संसार में जानने के तो कुछ नहीं है। आत्मा की देव उपासित आत्मा वाले दृष्टव्य स्रोतव्य मंत्रव्य इत्यादि है, शास्त्रीय बोलते हैं तुम्हारा क्या देखना है, क्या वस्तु है, ये तस्वीर को क्या देखना है। सबसे भारी जगत का अंतर्गत इस शरीर को भी उसमें इंक्लूड कर दिया, दिस इज ऑल्सो थर्ड पर्सन फॉर इन कंपेरिजन द सेल्फ और दिस बॉडी इज ऑल्सो थर्ड पर्सन। इसी तरह भगवान भाष्कर अस्मद उस्मद प्रत्यय का जो उस्मद मुझे ना लगता है, इसीलिए अत्यंत अभाव संपत्त है ना, जगत के बाहरी वस्तु में कुछ भी
नहीं है अत्यंत अभिमत द्वैकालिक निषिप्त प्रतियोग अत्यंत अंतिम काल में वस्तु रहने तो ज्ञातुर ज्ञेयस्य वस्तु ज्ञाता तो है ज्ञेय वस्तु के अभाव इस ज्ञेय वस्तु का कुछ नहीं कैसे निर्णय करेंगे युक्ति शास्त्र ही है ना युक्ति के द्वारा और शास्त्र के आधार पर शास्त्र युक्ति के द्वारा और शास्त्र वाक्यों के आधार पर जतनते जे लोग ऐसा प्रयास करते हैं ते तत्र अभ्यासी नस्ति वो लोग इसमें अभ्यस्त है इस प्रकार से कहा जाता है अभ्यासी हो उसका अभ्यास करने वाला ऐसा निश्चय होता है यहाँ पे युक्ति तो मतलब अपने मन में जो युक्ति शास्त्रों के आधार पर योग दर्शन के आधार पर क्या है कि मन को बार बार इच्छा करके समाधिस्त करना मतलब इसलिए बोलते हैं अत्र युक्ता इति योगेना इति अर्थ का अपने अपने कैबिट बनेगा अत्र युक्त्या यहाँ पे युक्ति शब्द युक्ति के द्वारा मतलब योगेना तो योगेना से क्या लेंगे जिस प्रोसीड्योर से आपका मन भगवान के साथ युक्त मतलब जो युक्त मन जिसको जिस प्रोसीड्योर से भगवेश्वर हो एक चीज मतलब भक्त की भगवत दर्शन शिष्य की गुरु दर्शन ज्ञानी की आत्मदर्शन योगी की ब्रह्म दर्शन अर्थात ज्ञानी की ब्रह्म दर्शन योगी की आत्मदर्शन ये चार कोई भिन्न वस्तु नहीं है क्या बोला भक्त की भगवत दर्शन शिष्य की गुरु दर्शन और ज्ञानी की ब्रह्म दर्शन योगी की आत्मदर्शन ये चार कोई भिन्न वस्तु नहीं है ना जो गुरु है वही आत्मा है वही ब्रह्म है वही भगवान है वही भगवान इस चीज़ को यदि हम समझ जाएंगे तो किसी भी साधन में आपको कभी मन भी हटेगा नहीं ठीक है हम किसी से पहुंच जाएंगे वो अच्छा है अथवा मैं कहती हूँ अपने मन में नहीं आता सब एक ही जगह पे ले जाए ठीक है थोड़ा समय लग सकते हैं इसलिए यहाँ पे ये जो बोलते हैं अत्र युक्ता इति योगेना इति अर्थ मतलब योग के द्वारा भगवान से मन को जोड़ने के लिए इस प्रसिद्ध को अपने आत्मा या उसी के द्वारा उसके द्वारा क्या करना पड़ेगा ईश्वर ही है बाहरी कोई वस्तु नहीं अत्यंत अभाव विषय भी होता था क्योंकि मन विषय देखेगा तब जाने की कोशिश करेगा जब मन को निश्चय हो गया स्वप्न में देखा हुआ वस्तु का मन निश्चय को कहे नहीं मन कल उसके बारे में सोचते ठीक इसी प्रकार जागृत कर नमन का मन जाना चाहते हैं वहाँ पे जब इसलिए लोगों को वैराग्य की अवसर चाहिए तो वैराग्य के साथ साथ ये वस्तु कुछ है ही नहीं भाई किस किसी से हमारे लिए संसार में क्या वस्तु हो गया आनंद के लिए भी करो हमने अगर कहते हैं कि टीका में भाष्य बहुत ही अच्छा शुरू मधुर बोलते हैं यहाँ तक कि साधुओं को कौपीन के प्रति भी आसक्ति मन नहीं जाना चाहिए जब तुम शरीर नहीं हो तो फिर शरीर की आरक्षा के लिए किसी वक्त कौपीन तक ही शब्द उपयोग करो कौपीन तक भी वहाँ भी मन नहीं जाना चाहिए ठीक है तब दस आया तो आया नहीं जाने तो शरीर एक मिथ्या वस्तु से निश्चय भी हो जाता है शरीर के किसी भी विकास संबंधित के मन में विषय नहीं होता इसी नाते बोलते हैं कि मरणस के अभ्यास का एक अत्यंत अभाव संबद्ध ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुनः युक्ता शास्त्रे न जतन्ते युक्ति और शास्त्र के द्वारा जो लोग प्रयास करते हैं ते तत्र अभ्यासी नस्ति था वो लोग वहाँ पे ये अभ्यास करने वाले ऐसा करता है रुचि रहे ऐसा कहा जाता है अत्र युक्ता इति योगेन इति अर्थ मतलब युक्ति मतलब जिसने जिस अभ्यास के द्वारा भगवान से मन जोड़ने का प्रयास कर रहे उसी को अब यहाँ पे योग दर्शन है समाधि की विशेष समाधि के माध्यम से मन को जाए सभी कर्म समाधि के विकल्प स्थूल वस्तु को प्रकार के मन को रखना सूक्ष्म वस्तु को प्रकार के रखना विकल्प विचार आनंद मतलब ये जो मन को स्थिर होने का एक अंतिम उस विशुद्ध को छोड़ करके भिन्न अंतर की आनंद है फिर क्या है उस आनंद को छोड़ करके बस अपने अस्तित्व को ये होगा अपना सभी कर्म संबंध धीरे 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 जिनके कर्म कुछ भी विचार हमने नहीं होता नमस्ते बोलो अनेक ऊपर स्टेज है परंतु इसलिए क्रम है संबंध तो हम आप कोई भी कर सकते हैं किसी स्थूल वस्तु को मन रख करके फिर उसका सूक्ष्म बना दें फिर उससे जो मन स्थिर होने का आनंद है उस आनंद को का ध्यान दें फिर आनंद को देखने वाला कौन है ये अस्मिता अपने स्वरूप दिए भी ठीक है ये विषय रूप में सामने आएगा कोई बात नहीं बाद में विषय हल जाएगा अपने आप स्वरूप अभी तक इसके जो है अत्र योग्यता योग्यना अत्र समाधि विशेष समाधि में और शास्त्रीय उत्थान विशेष मतलब शास्त्र पाठ जब कब करेंगे जागृत अवस्था में उत्थान अवस्था है ना इसका शास्त्र मतलब उत्थान अवस्था को लेकर होगा कब होगा कि जब मतलब
समाधि अवस्था समाधि मतलब भगवान से मानती हूँ कि भी जो युक्ति है उसके कारण मन को स्थिर करके इसलिए उसको समाधि कहा हाथ बुरा उसका उत्थान अवस्था नहीं शास्त्र विद्या के उत्थान अवस्था नहीं होता है विशेष तो हमारा तीन हो गया तत्व ज्ञान का ज्ञान अभ्यास बोध अभ्यास और मनोनाश अभ्यास। मनोनाश अभ्यास करने के लिए क्या करना पड़ेगा वहाँ के विषय कुछ है ही अब क्या है वहाँ पे कि वासनाक्षय है ना वासनाक्षय मन वासना विभस प्रक्रिया है मतलब वासना के क्षय हो क्षय होगा तो मन भी नाश होगा मन नाश होगा तो बोध अभ्यास होगा बोध अभ्यास होगा तो ज्ञान ठीक है ना ऊपर से बोलता है कभी साधन क्रोध इधर से पहले वासनाक्षय वासनाक्षय से मनोनाश की जगह बोध अभ्यास मतलब जिसको प्राप्त होना उसका चिंतन फिर ज्ञान ज्ञान इस क्रम में इधर से तो अब वासनाक्षय की अभ्यास बोल रहे हैं है ना वासनाक्षय की वासनाक्षय अभ्यास इतना बड़ा जो वासिष्ठ हमें करने की आवश्यकता नहीं है टिप्पणी का कितना काम करके कैसे उठना है हमारे लिए जितना अनुकूल है उतना उठा कर बोलते हैं उतना जितना वासिष्ठ के वेदांत की ग्रंथ माना गया है वासनाक्षय अभ्यास यथा तत्व ये वासनाक्षय की अभ्यास कैसे होता है इस विषय में भी वहाँ पे कहा गया है वासनाक्षय अभ्यास यथा जैसे होता है तत्व उस वेदोपाख्यान भी कहा गया विश्व संभव बोधेन राग द्वेषादि तानवे रति मनादिताया यासो ब्रह्मादितायसो अभ्यास कैसे करने हैं विश्व असंभव बोधे जगत दिखाई पड़ रहा है ये रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सबको समान है कि हमारा कोई भी प्रयोजन को ये विषय में मतलब वैराग्य को प्राप्ति के उपाय विषय है बार बार विषय में दोष दर्शन कोई भी विषय प्राप्त करने से पहले विषय संबंधी चिंता मन को दिला देता है देखिए विषय में दोष दर्शन क्या होता है कोई भी विषय प्राप्त करने से जब हमारे पास नहीं है तो मेरे पास नहीं है एरिया इसलिए हम दूंगी अब मैं उसको प्रयास करके प्राप्त करूँगा तो उसके लिए हमें धन उपार्जन का प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए ज्ञान थर्ड क्या है वो विषय हमको प्राप्त हो गया जैसे ही प्राप्त हो गया मन में कुछ चिंता हमसे होना चाहिए नेक्स्ट जैसे हम उसको भोग करेंगे क्षय होता जाएगा हाँ इसका क्षय होगा इसका और अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो आपसे जाएगा चाहे आप विषय को छोड़ जाए दूसरे आपको छोड़ दें वो डूब जाए मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक विषय दुख ही डूब जाइए किसी एक तो क्षण में कभी थोड़ा सा वो छूटता है बने पर भी और दुख हमें सागर मिलेगी परिणाम काम संस्कार दुख मनोवृत्ति विरोधा दुख हमें सागर मिलेगी विवेक व्यक्ति की सारा संसार दूर जाएगी इस प्रकार से जो वासनाक्षय अभ्यास इस प्रकार से विषय को किसी भी विषय को बसे मान होता है उसका अभ्यास करने में विश्व असंभव हमारे लिए कोई भी काम की वस्तु नहीं है ऐसी वस्तु भी जिस योगदायक है नहीं जिसने संसार को माना स्वयं आपने और अनित अशुभ भगवान श्री कृष्ण कथन है ये संसार अनित है ये सुखदायक नहीं है और आश्चर्य की बात है जिसने बनाया उसकी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते हुए हम क्या करते इसी में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं तो दुख परिणाम हो जाता है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे विश्व असंभव को देना राग तब क्या हो जाए रति धन उदिता क्या है मतलब रति मतलब होता है प्रीति प्रीति नाम लोग एक धन उदिता उदय होता है मन में भगवान की जो एक प्रीति और अपनी लक्ष्य के प्रति एक प्रीति वो उत्पन्न होता है ये जो उत्पन्न होता है आसो इसी से जो है मनोनाश मतलब वासनाक्षय हो जाता है क्यों बोलते हैं आप देखिए आप भगवान की प्रति प्रीति उत्पन्न करने के लिए आप अपने शरीर के लिए जानबूझ के जितना काम करते हैं शरीर का सो जाए इससे अधिक काम भगवान आपके लिए करते हैं आपको पता ही जितना हम इस शरीर को रक्षा के लिए सोच समझ के करते हैं और कितना काम भगवान ने हमको लिए करते हैं वो हम सोचा ही नहीं करते शाम में देखिए कि रात को खा पी के सो जाते हैं दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं ना अब उसमें कितना उपयोगी है कितना अनुपयोगी है उसको स्कैनिंग कौन करता है फर्स्ट काम
अनुपयोगी को शरीर से बाहर निकाल देना। शरीर के लिए जितना काम भगवान खाते है एक दिन भी आपका जीवन में सुबह से लेकर शाम तक आप सोचेंगे ईश्वर आपके लिए क्या काम कर रहे, आप आंसू आ जाकर खाए मैं ना भी तो दिखाई नहीं, तो मन आपने आप रति को दिखाया, रति धन को दिखाया, ये बहुत बड़ा धन है जो बोलते ना पायो जी पायो वह राम रत्न धन पायो, ये भगवान की बहुत बड़ा धन है। ठीक है, ये रति धन को दिखाया अशु ब्रह्म किसी को जो है मतलब क्या होता है या वाषण अक्षर होता है ब्रह्म अभ्यास करने के लिए वो धन उत्पन्न हो जाता है मन में आत्मा उत्पन्न हो जाता है। ये जो है आपका साधन है वेदांत भाषा। हम जिस अवस्था में हैं विषय बाहरी वस्तु की मन में जिस वस्तु की इच्छा होती है तुरंत मन से पूछना क्या करो इससे। मैं 1998 में हरिद्वार में कुंभ मेला हो रहा है तो हमारे कुछ गुरु भाई लोग हैं हरिद्वार महाराज से गोता लगा सारा जन्म की जन्मांतर की बात चाहे हो ऐसा बुरा या कि मानिए आज तक मैं कभी इच्छा नहीं है इससे क्या लाभ मिलेगा और इससे मतलब हम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे तो धीरे धीरे विश्व चिंतन में काम होता जाएगा वगैरह को बढ़ता जाएगा और अपने लक्ष्य के प्रति मन लगा है लक्ष्य को मन लगा है। उपनिषद सम्मतम निरोध उपाय दर्शेती उपनिषद में कहा जो निरोध उपनिषद ये तो हमारा योग वशिष्ठ के सम्मत में बोला टिप्पणी का होता है उपनिषद सम्मत मतलब उपनिषद अनुमोदन किया जो विधि रोकने के लिए ना निरोध के उपाय निरोध के उपाय के लिए दर्शेती क्या बोला यहाँ पे विवेक दर्शन अभ्यास है ना। जब भी कोई वस्तु को देखे विवेक पूर्वक देखे विवेक पूर्वक देखे कोई आपके लिए किसी मदद के लिए आए हुए हैं कोई आपका द्वेष करने के लिए कुछ भी बात नहीं पर विवेक पूर्वक देखने का अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें से वस्तु दृष्टि हट जाती है ना। इस प्रकार में सुवर्ण भी सुवर्ण के विवेक से वस्तु को देखते हैं तो ऑर्नामेंट दृष्टि जुटा जाता है रहता तो नहीं परंतु उसकी सुवर्ण दृष्टि पता आत्मविद पुरुष नाम रूप रहता है। आप बताइए जगत मिथ्या है आप मनुष्य में मनुष्यत्व को निर्णय करने के लिए आपको उस मनुष्य सामने चाहिए कि नहीं चाहिए किसी मनुष्य में मनुष्यत्व है कि नहीं है आप उसको निर्णय करने के लिए व्यक्ति आपके सामने चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार जगत में मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए भी जगत चाहिए इसलिए नहीं सोचना वेदांती जगत मिथ्या बोलता है और व्यवहार भी करता है बोलता है कि मिथ्या नहीं यस जगत को मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए विवेक दर्शन अभ्यास कितना अच्छा जैसे हम ज्ञान अभ्यास बोध अभ्यास मननास अभ्यास वासनाभ्यास और हमारा प्रसिद्ध कहाँ शुरू होगा इधर से वासनाक्षय मनोनास बोध अभ्यास ज्ञान वासनाक्षय मनोनास बोध अभ्यास ज्ञान
विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्यम अब इसको अपने आप ही देखिए भाष्यकार बोलते हैं रथ्याम इव सर्वे लय गति वा सुषुप्ते द्वैतम नहीं होते रखते इस प्रकार रज्जु में यदि विवेक पूर्वक आपने एक बार रज्जु को देख लिया तो मतलब रज्जु में सर्प का लय हो गया तो फिर जो है वो दोबारा लय नहीं होगा। इसी प्रकार अब धीरे धीरे बाहरी वस्तु छोड़ करके अपने मन को भी आप खूब जागरूक दृष्टि से देखने लग जाएंगे वो मन को भी आपको ब्रह्म से भिन्न होकर दिखाएंगे अधिष्ठांत भिन्न होकर नहीं दिखाई देगा अधिष्ठांत भिन्न अधिष्ठान को बड़े प्रकृति हो गए इसलिए बोलते हैं रज्जुआम की बसर के लयम गेवा इस प्रकार सुषुप्ति कर्म में लय प्राप्त करते हैं वही तो नहीं उपलब्धि है ना तो वही तो वस्तु कुछ ही उपलब्धि नहीं होगा यदि अभाव चित्तम द्वैत शशि इस प्रकार से द्वैत प्रपंच की मनोवृत्ति को रोक पाते हैं तो द्वैत प्रपंच की अभाव हो जाता है मनोवृत्ति को रोक देंगे तो द्वैत प्रपंच अभाव हो जाता है मतलब हमारे लिए अभाव होगा दूसरे के लिए अभाव होगा ये नहीं बोला जिसने मनोवृत्ति को रोका उसके लिए अभाव होगा हम रात में गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमारे लिए जगत में उसमें लाइफ प्राप्त कर जाते हैं दूसरे के लिए आपके कितना व्यापार करते रहते हैं देखेंगे विवेक की प्रकाश से देखेंगे तो हमको जब रज्जु दिखाई देगा तो सर को द्वारा उचित वेदांत अभी मत विरोध हम स्पष्ट देखकर स्पष्ट करते दृष्टान्त नाम दृष्टान्त को कहते हैं रज्जुआ विरोध सर के प्रकार रज्जु में सर को लय हो जाने पर लयम गति इस प्रकार विवेक पूर्वक देखेगा अथवा स्वाभाविक रूप में जो है ये होता है अभ्यास पूर्वक लय करना अब वो पहले समझ में नहीं आएगा सीधे सुषुप्ति में जो लय प्राप्त हो तो दृष्टान्त भगवान ने हर चीज को समझाने के लिए स्वाभाविक रूप से दृष्टांत को बनाया हुआ है इसलिए सुषुप्ति में जब हम जाते हैं तब क्या होते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर शरीर से हमारा तादाद अंदर जुड़ जाते हैं तो फल हो जाता है उस समय गई तो प्रपंच हमको दिखाते हैं तो पत्र दिखाएंगे सुषुप्ति गई तो नहीं को बोला उसको उपलब्धि नहीं होती जब समाधि अवस्था में थोड़ा अभ्यास करने पर गई तो प्रपंच काम को विकसित हो जाता है चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर लगातार चांद नंबर होता है वेदांत अभिमत निवेदन स्पष्ट है दृष्टान्त रक्षा को साधारण स्थल आह कहाँ पर ये समझ में आ जाएगा आपको कॉमन क्वेश्चन को द्वारा विभव साधारण स्थल क्या बोलते हैं लय गति व सुषुप्ति मनुष्य मतलब सुषुप्ति काल में मन लय प्राप्त कर जाने पर वेदन नहीं कोई भेद पुस्तक को नहीं दिखने का इसलिए होता है लयम गति व सुषुप्ति मनुष्य वर्त लयम गति मनुष्य मतलब मन लय प्राप्त कर जाने पर फिर द्वैत उपलब्धि नहीं होता अब तो अयम विभाग यहाँ पे ऐसा विभाग करना निरोध है प्राणायाम आदि शास्त्र निरोध प्राप्त एक जगह पे क्या बोला निरोध योग दर्शन में मन निरोध के लिए क्या बोला आपने प्राणायाम के माध्यम से प्राणायाम कर्ता देखिए मतलब जो यम नियम आसन और कर्ता किसी भी साधन मार्ग में ये चार की आवश्यकता यही है प्राणायाम को छोड़ दीजिए किसी भी मार्ग की साधन आप कर किसी भी मार्ग की साधन हो असंजनित व्यक्ति के द्वारा साधन नहीं हो कुछ नियम को पालन नहीं करेंगे तो साधन नहीं हो है ना ये कुछ जम चाहिए जम में क्या क्या आया हुआ है अहिंसा शस्त्र अस्त्रेय और ब्रह्मचर्य और परिक्रम है ना किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष मन से उत्पन्न न हो किसी वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न न हो सत्य रहता है परम सत्य को जानना है व्यवहारिक सत्य को भी पालन करना है अस्थि मतलब किसी वस्तु के प्रति कोई रोग उत्पन्न न हो और संजय में जीवन यापन करना और परिक्रमा परिक्रम आपको कहें आवश्यक आवश्यकता के अधिक एक भी वस्तु के प्रति मन नहीं जाए ये अपूर्ण और इसे शौर्य संतोष प्रभु सत्य ईश्वर परिणाम यानी नियम शुद्धता चाहिए अंदर ही शुद्धता बाहर ही शुद्धता दोनों चाहिए अवांछित वस्तु के साथ संबंध व्यक्ति के साथ संबंध नहीं मान वस्तु के साथ संबंध न और अंदर अनुसूचिता की वासना चाहेगा इस प्रकार से संतोष ये तो सबसे अच्छा प्रधान है कि सेल्फ कंटेंटमेंट मतलब
इस प्रकार भगवान नहीं बोला, भगवद्गीता में जस्त आत्मलोक मानव आत्मनिर्व संतुष्ट कार्य मतलब प्रीति मतलब वस्तु जिसकी आत्मा में प्रीति मतलब अपनी अभिष्ट वस्तु आत्मा में आत्मा आप जिसको आत्मा गति देव आत्मा के आत्मा में प्रीति बस उसी में वो पूर्ण रहते हैं आत्मनिर्व संतुष्ट आत्मा में संतुष्ट मतलब रहती प्रीति हमें कोई वस्तु खाना अच्छा लगता है उस वस्तु के प्रति हमारी प्रीति है हम उसको खा लिया तो मेरा तृप्ति हो गया मतलब तृप्ति होने के बाद उठ करके पेट थोड़ा भरा हुआ एक हजमोला अथवा पान मिल जाता तो अच्छा मतलब संतोष नहीं हुआ एक मिनट इस व्यक्ति का उसी में तृप्ति उसी में रति उसी में संतोष अब से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं आत्मा भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं इसी आगे बोलते हैं कि प्राणायाम के संतोष धन में है तो यहाँ पे हम सोचो संतोष तो आपको साथ है ईश्वर में ध्यान है तो अपना मतलब कठिनाई के साथ जीने इसलिए तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है इसे ही पता लगता है इसे अच्छा से अच्छा जीवन जीता है कठिनाई से कार्य होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जीएगा जो नहीं चाहिए अनावश्यक वस्तु रखेंगे इस प्रकार भावना के साथ जीता होता है उसके साथ एक शारीरिक तब एक मानसिक तब अवांछित वस्तु की चिंतन भी नहीं करेगी मानसिक तब स्वार्थ है ये व्यर्थ है तो स्वार्थ के अंदर आता है और फिर जो पठन पाठन ये साथ है और ईश्वर प्रधान इसको तीनों एक साथ क्रिया जो भी बोलते हैं तब वो साथ है ईश्वर प्रधान ही क्रिया जो ये नियम नियम भाष्य मतलब एक जगह पर स्थिर होकर के बैठने का कोई अपना कुछ नहीं हो सकता है मन में अंदर चल का फिर भी मैं इस जगह से उठूंगा नहीं होता ये अभ्यास करता है ये मतलब मन को फिर स्थिर करने के लिए उपाय है तो फिर आसन आसन मतलब स्थिर और सुखम आसन लंबा समय तक एक जगह पे आसन में आसन के सुख को तक बैठने से आसन बोलते हैं धर्म निधन जाता है तो भी तो करते ये चार चीज जो है सभी साधकों के लिए किसी भी मार्ग साधक के लिए ये अवश्य है ये अवश्य इसलिए आप बोलते हैं यहाँ पे कि अब निरोध है कि प्राणायाम आदि साध्य निरोध है तो प्राणायाम आदि साध्य तो उसका क्या है विवेक इत्यादि न जब बाधात्मक और लायो विवक्षित और अच्छा विवक्षित उसका क्या है मैं कल भी बताया था आपको कि योग दर्शन की निर्विकल्प समाधि वेदांतिक निर्विकल्प समाधि में भिन्न है योग दर्शन की निर्विकल्प समाधि है सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में जाओ मन को और वेदांतिक निर्विकल्प समाधि आत्मा तन मन करके नहीं अभ्यास के द्वारा बाहर की वस्तु सारा मिथ्या ये हमारे लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है कुछ भी वस्तु देखने से ये हमारे लिए उपयोगी नहीं देखिए लिख रहे विवेक इत्यादि ना बाधात्मक है यहाँ पे जो वस्तु नाम रूप अर्थ क्रिया का लिखता वो सच्चिदानंद से बाधित कर दीजिए ना जिसको इच्छा वस्तु में तो उसे बंधु बोले ना कि नाम रूप और अर्थ क्रिया का लिखा तो सच्चिदानंद से बाधित कर बात की द्वारा विवेक इत्यादि ना बाधात्मक है विवक्षित रज्जा में सर्वित में सर्व को लय बोलना विवेक पूर्वक अधिष्ठान को देखना सीखे इसी नाम बोला लय करके पाँच नंबर के अन्य सुषुप्ति व लय कथी अन्य न कारण प्रवेशात्मक स्वाहय नाश मतलब क्या हो जाएगा कि सुषुप्ति में क्या हो गया अपने कारण में जैसे किस प्रकार वस्तु को अपनी प्रतिष्ठा प्रकार की लय होता है वस्तु को अपने कार्य को अपने कारण में लय करते जाओ कार्य को अपने कारण में लय करते विचार को लकड़ी का बना हुआ देवी है लकड़ी का बना हुआ देवी कार्य दिखाई पड़ता है इसको बना कारण है लकड़ी का प्रतिनिधि के कारण प्रकृति मतलब प्रतिनिधि एक के बाद एक कार्य को कारण में रहते हुए किसी भी बाजार में जल को अग्नि के अग्नि को वायु में वायु को आकाश में आकाश को सत मिलाई करते हैं एक मूल कारण इसमें भी अनुसूत है ये प्रश्न एक ये प्रक्रिया छांद को पुरुषोत्तम ने कहा हुआ है चलिए छांद को पुरुषोत्तम अन्य न सौम्य सौम्य न अपमूलम अन्य छ अग्नि सौम्य सौम्य न तेज मूलम अन्य छ तेज सौम्य सौम्य न अपमूलम ये सदमूलम अन्य छ सन मूला सौम्य इमा सर्व प्रजा सद आयतन सत प्रतिष्ठा सारा सृष्टि उस सद आयतन में गया सब स्थित है सब में लय प्राप्त कर लिया इस प्रकार ये कार्य को कार्य तीन प्रकार से लय दिखाया है मन एक प्राणायाम के द्वारा एक विचार के द्वारा तीसरा कार्य को कार्य में लय कर इसमें मतलब लय हम करते देखिए हमारे यहाँ क्यों मन पाठ आगे दिन बार करते हैं एक अभी पंक्ति को छाने में लेकर के चला जाता है आगे दिन बार चार में नाश बोलते हैं मतलब जिस कारण को जब लय करते जब तो मूल कारण में पहुँच जाए वैतम नहीं तो प्रकट लगे यदि अभाव छः नंबर टिप्पणी यदि अभाव उक्त प्रकार है ना द्वैत उपलब्धि अभाव इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि द्वैत उपलब्धि अभाव में लग जाए जितना हम अभ्यास करते जाएंगे चाहे प्राणायाम के द्वारा चाहे विचार द्वारा
अच्छा है मन कार्य को कारण में बैठ रहा तो ये जब रहेगा तो उसको प्रपंच फिर आपको दिखाई शांतस्तमुहांधकारो मज्ज उन्मज्ज च भूरे अशक्ति उपजन उदंवति त्रासनेमि जर्पालो आस्तिकानं सुतिशम विनय प्राप्तिरग्राह्यमो ना तर्पादौ पावनीयौ भवभय विनदौ सर्वभावे नमस्ये पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूर्यभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ Thank you.